रुद्रप्रयाग जिले के गुप्त काशी क्षेत्र में आज व्यापार संघ और जीप टैक्सी यूनियन द्वारा एसपी अजय सिंह का स्वागत किया गया। वहीं पुलिस विभाग द्वारा पब्लिक पुलिस चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां व्यापार संघ जीप टैक्सी यूनियन के लोग शामिल थे, तो वहीं स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर एसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ में भी मार्च के प्रथम सप्ताह में यात्रा शुरू हो जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं, तो सबको मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस विभाग द्वारा पुलिस चौपाल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें व्यापार संघ और जीप टैक्सी यूनियन के सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि लोगों की जो पुरानी समस्या थी, उन्हें आज सुना गया है और यात्रा सीजन में होने वाली सभी समस्याओं को यहाँ पर रखा गया है, जिसको सुलझाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ आस्था का क्षेत्र है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, उनको किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो मई के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होने का इसमें तिथि रहती है, और इसको देखते हुए चूँकि इस बार लोकसभा के चुनाव भी हैं, इसको देखते हुए जो यहाँ के हमारे व्यापारीगण हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर जो जुड़े हुए हैं इस यात्रा सीजन से, चाहे हमारे यूनियन के लोग हों, टैक्सी यूनियन हो, और इन सभी को इस समय यहाँ पर बुला के रात एक गोष्ठी की गई है, जिसमें उनके पुराने जो कोई शिकायतें रही हैं या कोई सुझाव रहे उनको सुना गया है, और जिससे भविष्य में आकर इसमें हम सुधार कर सकें। साथ ही साथ हमने कोशिश करी कि यातायात सीजन को देखते हुए यहाँ यातायात बच्चों को भी प्रेरित किया गया कि जब उनके स्कूल भी खत्म हो जाए तो उसमें यातायात में सहयोग करें। इसको देखते हुए जूनियर ट्रैफिक फोर्स के तहत जो है आज 15 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, जिनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ऐसे व्यापारियों से भी और सभी आमजन लोगों से इसमें सहयोग की अपील की गई है। जो पुलिस और प्रशासन के स्तर की जो सुविधाएं हैं उसको जल्दी से जल्दी हमें ठीक करने का आश्वासन दिया जितना पॉसिबल है। तो ये देखते हुए यात्रा सीजन को देखते हुए जो व्यवस्थाएँ की जाती हैं, पूर्व की व्यवस्था उसके संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई थी। जी की जनता को संदेश, आपको जनता से संदेश लेने आए थे। संदेश हमारा यही है कि जो यात्रा, जो केदार बाबा की यात्रा है, वो बहुत ही धार्मिक और बहुत पौराणिक यात्रा है, और इसमें सभी लोग जो है अपना व्यवहार, अपना जो एक जो पूरे देश भर में इस यात्रा के साथ साथ विदेशों में भी जो इसकी सब जगह लोग आते हैं और देखते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो वो भावना, जिस भावना से आते हैं, उस भावनाओं की कदर रखते हुए एक प्यार से और इस यात्रा को चलाएँ और अपने व्यवहार को मधुर रखें, और जितना पॉसिबल हो सके सबकी मदद करें, और जो यात्री आएँ यहाँ से सकुशल यात्रा करें। रुद्रप्रयाग से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।